हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुडलक इंस्टीट्यूट, अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे हर बार इंग्लिश की वो वीडियोस लेके आते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम उसी तरीके से आज मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंस और फोर का आप टेंसेस में किस तरीके से सही तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, साथ में दिए हुए बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे इंग्लिश वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, सिंस और फोर का टेंसेस में कैसे इस्तेमाल करा जाता है। तो अब हम समझते हैं सिंस और फोर को एक चार्ट के रूप में कि एक्चुअल में इनका यूज होता कैसे है। टेंसेस हमारे होते हैं तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर। इनके हमारे पार्ट्स होते हैं चार चार। उन्हीं पार्ट्स में से हमारा एक पार्ट होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वो चाहे आपका पास्ट हो, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर ही हमारा सिंस और फोर का यूज होता है। सिंस और फोर का जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि सिंस हमेशा यूज किया जाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है सर्टेन टाइम, जब आपके पास निश्चित समय हो, यानी पक्का समय, एक्यूरेट टाइम जब आपके पास होता है तो वहां पर आपका सिंस का यूज किया जाएगा। हम कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। फोर का जो यूज किया जाता है वो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपके पास टाइम है तो सही लेकिन आपके पास उसकी एक्यूरेसी नहीं है, यानी किस करेक्ट टाइम की आप बात कर रहे हैं वो आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनसर्टेन टाइम, यानी ऐसा समय जो हमारे लिए निश्चित नहीं है। हमें टाइम का आइडिया है लेकिन हमें उसका एक्यूरेट टाइम नहीं पता है। सिंस और फोर के कुछ हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं, आइए हम उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये दोनों के दोनों है तो हमारे क्या प्रेपोजिशन, बोथ आर प्रेपोजिशंस। सिंस और फोर हमारे प्रेपोजिशंस भी हैं जो आप यूज करते हैं इंग्लिश में टेंसेस के अलावा भी। सेकंड पॉइंट है हमारा बोथ इंडिकेट पास्ट टाइम इन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम अगर इनको एज अ प्रेपोजिशन यूज ना करें तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर ये हमेशा पास्ट टाइम की बात करते हैं, यानी दोनों के दोनों सिंस और फोर दोनों ही ऐसे समय की बात करेंगे जो पास्ट के टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, ये जो काम आपने शुरू किया था पास्ट में उस एक्शन में उस काम को आपका अभी तक इंडिकेट करते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। उन तीनों ही टेंसेस में अगर आप सिंस और फोर का यूज कर रहे हो तो एज पर योर टेंस आप हमेशा पीछे के किसी काम की बात करोगे जो पीछे शुरू हुआ था और एक टाइम तक आके वो चलता रहा है। अगर प्रेजेंट में है तो वो अभी भी चल रहा है, पास्ट में है तो वो खत्म हो गया लेकिन बहुत पहले से शुरू हुआ था, फ्यूचर की अगर आप बात करते तो बहुत पहले शुरू हुआ था और फ्यूचर में भी अभी वो चल रहा होगा। इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। ये देखते हैं कि सिंस और फोर में हमारे कौन से पॉइंट, यानी कौन से टाइमिंग की बात होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, कोई भी पीछे का साल हो, कोई भी पीछे का मंथ हो, कोई भी पीछे का वीकडे हो, कोई भी पीछे का यूनिवर्सल टाइम, क्या होते हैं यूनिवर्सल टाइम मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के माध्यम से, या कोई भी प्रीवियस, पीछे का कोई भी समय हो, कोई भी पल हो, वो ये पांचों पॉइंट हमारे इसमें कवर किए जाएंगे। अब वो कैसे कवर किए जाते हैं, किसमें सिंस लगेगा किसमें फोर लगेगा वो मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर की, अगर आपके पास ईयर मेंशन है, जैसे हमने बोला सिंस 2010, यानी अब हम चल रहे हैं 2021 में, इससे पहले का कोई भी ईयर अगर आप मेंशन करते हैं तो वहां पर सिंस लगेगा क्योंकि ये एक ही बार रिपीट हुआ है, दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम फोर में बात करते हैं तो यहां पर हम ये मेंशन करेंगे पीछे कितने साल से, फॉर 10 ईयर्स। सिंस और फोर दोनों का ही मतलब होता है से, Since 2010, ये एक हमारा certain, पक्का समय हो गया, 2010 से, for 10 years, यानी 10 साल से। लेकिन यहां पर क्या है, मैंने कोई ईयर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक आइडिया दे दिया 10 साल का, जबकि यहां पर हमारा साल मेंशन है। एनी प्रीवियस मंथ,
जैसे मैं कहता हूं सिंस डिसेंबर, यानी डिसेंबर से। लेकिन जब हम फोर की बात करेंगे तो यहां पर हमारा कोई भी मंथ नेम नहीं आएगा, सिर्फ हम क्या लिखेंगे यहां पर, जैसे फोर टू मंथ्स, दो महीने से, या फोर सम मंथ्स, कुछ महीनों से, या फोर मेनी मंथ्स, कई महीनों से। हम कोई भी महीने का नाम नहीं लिखेंगे यहां पर, मंथ नेम आपका मेंशन है। जैसे सिंस दिसंबर हो गया, सिंस मार्च हो गया, यानी इस महीने के से, इस महीने से हमने काम किया है। इसके आगे हमारा एनी प्रीवियस वीक डे। अब हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने कहा सिंस मंडे, ये हमारा क्या हो गया वीक, जो डे है हमारा उसका नाम हमने यहां पे मेंशन कर दिया। यहां पर अगर हम कहेंगे तो हम यहां कहेंगे जैसे फॉर टू डेज, फॉर सम डेज, फॉर मेनी डेज, लाइक दिस। हम इसको इस तरह से यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें कभी भी एक्यूरेट नेम नहीं दे सकते फोर में, सिंस में हमेशा हम एक्यूरेट नेम देंगे। अगर हम बात करते हैं एनी प्रीवियस यूनिवर्सल टाइम, अब यूनिवर्सल टाइम क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब नेचुरल टाइम हमारे हो गए, जैसे सुबह शाम ये चीजें, तो सिंस में जब हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। यहां पर हमारा कभी नहीं आएगा, यहां पर हम क्या करेंगे जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से आ गया, ठीक है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, थोड़ी देर से हो गया, इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे क्योंकि यहां पर हमारा कोई भी फिक्स्ड नहीं आएगा। अब फिफ्थ है हमारा प्रीवियस आवर्स टाइम या मोमेंट, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा सिंस 2 o'clock, अब 2 हमारे बजे हैं तो ये एक्यूरेट टाइम की मैंने बात कर दी। लेकिन अगर मैं 4 में जाऊंगा तो यहां मैं करूंगा 4 2 hours, यानी 2 घंटे से, यहां पर 2 बजे से, यहां 2 घंटे से, कोई भी टाइम जो एक्यूरेट हो, जैसे हमने कहा सिंस हाफ पास्ट 1, यानी 1:30 बजे से, यहां पर सेम हमें आइडिया देंगे फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों से, ठीक है ना, फॉर मेनी आवर्स या फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके से हमने यहां मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर दोनों ही ऐसे काम की बात करते हैं जो आपने पीछे शुरुआत तो करी थी उनकी, और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। सिंस हमारा एक जगह और यूज किया जाता है, जब हमारे पास सर्टेन टाइम हो, लेकिन वो हमारा कई बार सेंटेंस ऐसे बनेंगे जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा भी और किसी टेंस में बन सकते हैं। जैसे जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है, तो जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी, ये क्या हो गया, मेरा एक फिक्स टाइम हो गया, सिंस आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, ठीक है। तो ये जब से, ये क्या हो गया हमारा, एक मोमेंट हो गया, एक टाइम हो गया जो एक फिक्स्ड है। या मैं कहूं जैसे ही हैज फॉलन इल, वो बीमार पड़ गया है, जब से सिंस ही एट आउटसाइड, जब से उसने कुछ बाहर खाया है। तो कब से बीमार पड़ा है वो, जब से उसने कुछ बाहर खाया है। तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई भी सर्टेन मोमेंट हो, आप वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, सिंस आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, या जैसे अगर मैं कहूं कि इसको और बड़ा कर देते हैं, व्हेन आई वाज 9 years old, सिंस आई हैव बीन लिविंग दिल्ली, यानी जब मैं 9 साल का था तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। तो सिंस जो हम यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है हमारा, तो यहां पर हमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू,
सिंस मॉर्निंग। अब कई बार स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपने फोर भी लगा दिया और आपने सिंस भी लगा दिया, तो मैंने तो प्रॉपर अपने एज पर रूल मैं तो सिर्फ यहां पर मैंने सिंस का यूज किया है मॉर्निंग के साथ, ये हमारा एक यूनिवर्सल टाइम है। फोर का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि फोर जब भी हम किसी चीज के लिए किसी इंसान के लिए इंतजार करते हैं तो फोर मेरा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट से पहले। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, सब दो घंटे से बाहर बैठे थे, तो एवरीबॉडी हैड बीन सिटिंग आउटसाइड। अब यहां आ गया दो घंटे से, अनसर्टेन टाइम है हमारा, फोर टू आवर्स। ये मेरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। रूल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने आपको वीडियोस बना रखी है टेंसेस के ऊपर, आप वहां पर जाके सारे रूल्स चेक कर सकते हैं कैसे कैसे टेंसेस के रूल्स होते हैं। थर्ड है, कल रात से वहां बारिश हो रही होगी, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो जब भी हम किसी मौसम की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा इट बन जाता है, तो इट विल have been raining there। अब कल रात से, फिर ये हमारे आगे यूनिवर्सल टाइम, तो सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। इसके आगे है, मोनू कुछ सालों से यहां नहीं आ रहा है, तो मोनू has not been coming। अब कुछ सालों से अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं कितने साल है उसके अंदर, ना हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है साल का, तो हमने क्या कर दिया, फॉर सम इयर्स, फाइन। फिफ्थ है हमारा, वो बचपन से हमारे साथ रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग विद अस, या स्टेइंग भी आप कर सकते थे यहां पर, स्टेइंग विद अस बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन में उसने रहना शुरू किया और वो अभी तक हमारे साथ रहता आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिंस और फोर के अंदर डिफरेंस करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें सिंस और फोर कहां पर लगाना चाहिए। इससे आपका जो कॉमन एरर है यूजिंग सिंस और फोर वो आपका क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं आप गड़बड़ करेंगे। अब आपके लिए यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें और हमें कमेंट करके बताएं, हम चेक करें कि आप लोगों को सिंस और फोर का यूज आया या नहीं आया। सेंटेंस है फर्स्ट आपका, आप 5 मिनट से मेरी वीडियो देख रहे हैं। दूसरा है, मैं 2006 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब ये मेहनत हमने करी है आप लोगों को सिंस और फोर समझाने की, उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों सेंटेंसेस 100% करेक्ट बनेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।